भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय हमीरपुर में 6 नवंबर को महिला मोर्चा भाजपा का जिला प्रशिक्षण वर्ग महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष डॉक्टर आराधना राजपूत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें 4 सत्र का प्रशिक्षण महिलाओं को दिया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमती उर्विजा दीक्षित रही। प्रथम सत्र की वक्ता प्रदेश उपाध्यक्ष रीता शास्त्री रही एवं द्वितीय सत्र में क्षेत्रीय महामंत्री जयंती वर्मा, तृतीय सत्र में महिला मोर्चा क्षेत्रीय अध्यक्ष उर्मिला जी ने प्रशिक्षण दिया। चतुर्थ सत्र में क्षेत्रीय मंत्री सुनीता राजपूत रही। इस प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में उपस्थित महिला मोर्चा की अपेक्षित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को वक्ताओं के द्वारा संगठन की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राठ विधायिका मनीषा अनुरागी, जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत, शकुंतला निषाद, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष दीप्ति गुप्ता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य मीना यादव, क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य भावना उमर कपूर गुप्ता, निशा भटनागर, नीतू द्विवेदी, गीता वर्मा, अनीता राजपूत, नीलम वाजपेयी, ममता रवि गुप्ता, बबली सिंह इत्यादि सभी महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रशिक्षण वर्ग है, जैसा इसका नाम है प्रशिक्षण, तो यहाँ पर जितनी बहनें हमारी आई हैं, ये सभी भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से अनुशासन और संस्कार पूर्ण हम अपने आप को ढाल कर एक अच्छा कार्यकर्ता बनाएं, इसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी में सदैव प्रशिक्षण होते रहे। समय समय पर महिला मोर्चा का ये प्रथम बार प्रशिक्षण हो रहा है और बहनें यहाँ पर आज 4 सत्रों के माध्यम से बहुत कुछ सीख कर जाने वाली हैं। इन 4 सत्रों में कुछ विषय हैं जो 2 सत्र हमारे हो चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का इतिहास एवं विकास, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में महिलाओं की चुनौतियां, राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान एवं जो हमारी केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं और 2014 के बाद कैसा भारत निर्माण हो रहा है, ये 4 सत्र हमारी बहनें सुनेंगी, मनन करेंगी और यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगी। ऐसा है कि बहनों के जीवन में संघर्ष तो सदैव से लिखा है, लेकिन आज की महिला अपने आप को बहुत सक्षम महसूस करती है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से बहनों के अंदर सुरक्षा, आत्मविश्वास और शिक्षा, इन तीनों मामलों में उन्होंने अपने आप को बहुत सक्षम बनाया है। तो मुझे लगता है कि चुनौतियों में कई उदाहरण वैदिक काल से लेकर और आज तक चल रहे हैं, जिनके माध्यम से आज हम उन्हें कुछ न कुछ सिखा कर यहाँ से जाएंगे और बहनें हर चुनौती और संघर्ष के लिए सतत तैयार हो रही हैं।